हाय गाइस, तो आज हम लोग जा रहे हैं जोखू टेंपल। जोखू हिल्स जो है यहाँ पे वो टॉप मोस्ट पॉइंट है शिमला का, और वहाँ पे एक हनुमान जी का बड़ा सा मूर्ति है, तो वो देखने जा रहे हैं और जाके वहाँ पे और थोड़ा आपको बताएंगे। बट जोखू जाने के लिए दो तीन टाइप के वेज हैं। एक तो आप मॉल रोड से ट्रेक करके जा सकते हो, या फिर वो जोखू के एक रोप वे है शिमला में, वो भी लेके जा सकते हो, या फिर आप कैब लेके जा सकते हो। तो आप सोचिए कि हमने कौन सा मेथड चूज़ किया होगा। वैसे रोपवे अभी ठीक से चल नहीं रहा है, और ट्रैक करके जाने रोजा तो एक्सपर्ट है ट्रैकिंग में, ट्रैकिंग एक्सपर्ट हम दोनों है, और इसके लिए हम लोग कैब लेके जा रहे हैं। हाँ, कैब यहाँ से अगर वन में जा रहे हैं तो 250 के आसपास लेता है, विच इज़ वेरी रीजनेबल, और आप वहाँ से जा सकते हैं, और वो लोग आपके पास साथ में रहेंगे भी, तो फिर अगर आना जाना है तो शायद 400 के आसपास में वो लोग कर लेते हैं। बट हमको बस जाना है, आने के टाइम पर सोच रहे हैं कि चल चल के आए। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं, ये हमारे पीछे हनुमान जी हैं। अच्छा, हम तो बोलेंगे कि आप कैब करके ही आइए आने टाइम पे, और जाते टाइम पे नीचे उतर के मॉल रोड तक जा सकते हैं। जा सकते ही नहीं जा सकते वो तो हम लोग आप अपने एक्सपीरियंस से आपको बताएंगे। फिर मंदिर तक जाने के लिए 100 मीटर चढ़ना पड़ेगा। 2010 में बना था, इसको बनाने के लिए 1.5 करोड़ लगा था। 2010 में इनॉग्रेट हुआ था, अभिषेक बच्चन ने किया था इनॉग्रेट, तुझे पता है? अभिषेक बच्चन ने किया था या और ये जो मूर्ति है हनुमान जी की, ये 108 मीटर की है, जो कि क्राइस्ट रिडीमर से भी बड़ा है। क्राइस्ट रिडीमर 98 मीटर है और ये 108 मीटर है, तो यू कैन इमेजिन इट्स वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचूज इन द वर्ल्ड। और ट्रेकिंग कर लेता। व्यू कितना अच्छा है यहाँ से, रोजा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तक नहीं आया। अभी हम लोग कैमरा बंद कर देंगे। ऊपर सुना कि बंदर बहुत है, तो बंदर से बचने के लिए अभी हम लोग कैमरा बंद करते हैं। ऊपर जाके हनुमान जी के स्टैचू के पास फिर से कैमरा ऑन करते हैं। क्या बोलते हो रोजा? कैमरा चला गया तो मेरा 1 महीने का सैलरी चला जाएगा रोजा। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। एक डिस्क्लेमर है यहाँ पे, बहुत ही वो बंदर वाला बात जो बोल रहा था मैं, एक बढ़िया डिस्क्लेमर यहाँ पे दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है चश्मा उतार दीजिए, मोबाइल फोन हाथ में ना रखें, खाने पीने का सामग्री हाथ में ना रखें, और क्या लिखा है रोजा? और भी लिखा है दुपट्टा संभालना है। दुपट्टा है क्या तुम्हारे पास? दुपट्टा तो नहीं है, और चश्मा का डर है यार। चश्मा उतार दो, ये चला जाएगा तो मैं अंधी हो जाऊंगी। वाओ, आई मेस्मराइज्ड, दिस इज रियली वाओ, दैट इज द ओनली थिंग आई कैन से। बहुत ही ह्यूज दिख रहे हैं हनुमान जी। ओह वाओ, ऊपर तक तो दिख भी नहीं रहा है अच्छे से, वो आगे आना पड़ेगा। वाओ, बहुत बड़े हैं हनुमान जी का पैर, देखो रोजा कितना मेगा है। तो तुम्हारा मुंह के सामने उनका पैर देखो। वाओ, दिस इज अमेजिंग गाइज। रोजा कितना सुंदर लग रहा है ना, अमेजिंग प्लेस, क्या व्यू है यहाँ से। हाँ, शिमला का टॉलेस्ट पॉइंट है, और ये इंडिया का शायद सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू होगा ना, वल्लभ भाई पटेल के बाद। देखिए मैं कितना छोटा दिख रहा हूँ हनुमान जी के सामने। हनुमान जी उधर है, मैं इधर। अभी ये स्टैचू जो दिख रहा है, हम लोग रोजा और मैं 15 मिनट से नोटिस कर रहे हैं, अटेंशन टू डिटेल इज सो ब्यूटीफुल। आप पूरा जो नाखून है उनके हाथ में, जो ऐसे होता है ना हमारा नक्कल्स, वो सब, वो पूरा अटेंशन, पूरा एकदम
एज ह्यूमन एज पॉसिबल एंड मैस्कुलाइन हनुमान जी जैसे होने चाहिए वैसा बनाया है। और ये पाम का लाइंस भी पूरा दिख रहा है, इसमें फोटो में शायद नहीं दिखेगा। दिस इज एक्सेलेंट, एक्सेलेंट बनाया, बहुत ही अच्छा, एकदम व्यू के साथ हनुमान जी को देख के मन पूरा एकदम शांत हो गया। जो भी बनाया है वो बहुत ध्यान देके और बहुत टाइम लेके बनाया है। अभी वो टेंपल जा रहे हैं, वो टेंपल बहुत पुराना है, मूर्ति बहुत बाद में बनी है। मूर्ति 2010 में बनी है, वो टेंपल बहुत पुराना है। टेंपल भी ना, वो हिमाचली टेंपल उनका एक स्टाइल है और एक ही टाइप का बनाता है। जैसे हमारे उड़ीसा में टेंपल एक अलग ही टाइप का बनता है, तो यहाँ पे हिमाचल में हमने नोटिस किया कि उनके टेंपल ना एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का बनता है, जैसे थोड़ा होम जैसा फील होता है ना वो। और बंद कर दो, आगे बंदर है। अरे अरे, इधर है बंदर महाराज, उसको देख के मैं डर के बंद कर रहा हूँ, वो हमको देख रहा है। रोजा रोजा ले लेगा क्या? इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल टेंपल देखा था क्या पहले? नहीं नहीं, मैंने बहुत ही सुंदर लग रहा है टेंपल। और जैसे मैं बता रहा था ना, इनका थोड़ा घर वाला फीलिंग रहता है कि भगवान भी घर में ही रहते हैं, तो ऐसे हिमाचल का घर जैसा ही टेंपल लगता है, तो ऐसा बहुत ही अच्छा लगता है ये देख के हम लोगों को। अभी यहाँ पे भी देखो रोजा, ये छोटा ये स्टाइल ऑफ टेंपल लुक्स रियली नाइस। और यहाँ पे हिमालय का व्यू भी बहुत ही अच्छा है। ओ वाओ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। पास मत जाओ, पास मत जाओ। कहाँ पे बंदर साउंड कर रहे हैं? मुझे तो ये व्यू ना, ओ वाओ, यहाँ पे ये जो हिमालय का व्यू, ओ वाओ, दिस इज ब्रेथटेकिंग। आई डोंट नो हाउ मच वी कैन शो इन द कैमरा, बट द व्यू इज एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड ब्रेथटेकिंग, आई वुड से। यहाँ पे तो घंटों रह जाने का मन कर रहा है। दिन भर भी रह सकता हूँ, जब तक यहाँ पे ठंड से मर ना जाऊँ। कहीं यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा मुझे, ये जखू मंदिर का पाकशाला है, मतलब ये यहाँ पर रसोई घर है और भगवान को यहीं से भोग चढ़ता होगा यहाँ पे। अच्छा, तो मैं ये टेम्पल का थोड़ा हिस्ट्री पता कर रहा था। तो ऐसा है, कहने के आता है कि जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था और वो घायल थे, तो हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी बूटी लाने। तो संजीवनी बूटी जैसे लाने जा रहे थे, तो वो रास्ते पे द्रोण पर्वत जा रहे थे, जो पंडित जी ने बोला मुझे, तो वो रास्ते में जखू हिल्स में यहाँ पे शिमला में हनुमान जी ने रेस्ट लिया था। और जैसे यहाँ पे रेस्ट लिया था, तो दिस बिकेम दैट प्लेस की हनुमान जी का टेम्पल बन गया यहाँ पे। रोजा, अभी चल के किधर जाना है थोड़ा दिखा दो। ये रास्ते से होके हमें वहाँ तक जाना है। वो जो घर दिख रहा है ना गाइज, देखिए और अच्छे से थोड़ा दिखाने का कोशिश करता हूँ। वो जो दिख रहा है वो दैट इज मॉल। तो यहाँ से चलते चलते रोजा मॉल कब तक पहुँचेंगे हम लोग? आज पहुँच जाएंगे। वही हमारे लिए अचीवमेंट होगा। अभी बज रहा है लगभग 2, तो अभी हम लोग मंदिर से बाहर आ गए हैं, बट उतरना थोड़ा ईजी होगा हमारे लिए। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है और उसके हिसाब से आपको रेकमेंड करेंगे कि नहीं करेंगे, वो हम लोग नीचे मॉल में पहुंच के बोलते हैं आपको। क्या रोजा, कितना टाइम लगेगा तुमको लगता है? आधा घंटा मुझे लगता है, 45 मिनट्स। रोजा देखो, वो छोटे को देखा, वो भी ट्रैक कर रही है, तुम कर सकते हो क्या? बहुत स्टीप है ना। तुम बुढ़ी हो गए लग रहा है। हाँ, मैं भी 2 साल की होती तो मैं भी ट्रैक कर लेती। भाई चढ़ाई तो स्टीप है, बट दिखा दो, दिखा दो।
बहुत स्टीप है, चढ़ाई बहुत स्टीप है, नीचे उतरने के लिए ज्यादा नहीं लग रहा है, बट जो लोग ऊपर चढ़ रहे हैं वो मुझे दिख रहा था कि वो लोग भी हाँफ रहे हैं और रोजा में तो चढ़ ही नहीं पाते। हाँ हम लोग तो चढ़ ही नहीं पाते पक्का। तो आई वुड सजेस्ट कि जैसे हम लोग आए ना आप एक कैब कर लीजिए, अगर आप हमारे जैसे फिट है, हाँ फिट हैं, तो आप क्या करिए एक कैब कर लीजिए जो 250 रुपए लेंगे, आपको आगे छोड़ देंगे, फिर आप नीचे नीचे चलते आ जाइए। चलना इज नीचे उतरना इज़ वेरी इजी, मुझे तो इतना डिफिकल्टी नहीं लगा अभी तक, तो वैसे ही करिए एंड डेफिनेटली यू शुड विजिट दिस प्लेस। तो फाइनली हम लोग माल रोड में पहुंच गए हैं, तो अभी बज रहा है 2:40, तो 45 मिनट्स लगा हमको, बट बीच में हमने बहुत आराम आराम से आए, तो वही है, दैट प्लेस वॉज अमेजिंग, वी वुड डेफिनेटली रेकमेंड यू गो देयर। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड एंजॉय इट, गिव इट अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।